एक बार फिर से आपका एबीसी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा। तो आपको बता दें कि पांचवें चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ ये मतदान शाम 6 बजे थम गया। सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसी के साथ आपको बता दें पांचवें चरण की ये लड़ाई भी अब समाप्त हुई। अब बारी छठवें और सातवें चरण की। दो चरण अब शेष हैं और ये दो चरण तय करेंगे किसको मिलेगी सत्ता की कुर्सी और कौन रह जाएगा सत्ता से दूर। तो बता दें कि 8 राज्यों की 39 सीटों पर आज मतदान हो रहा था। जहां आपको बता दें यूपी के 13, बता दें उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। 49 सीट 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान। यूपी में 5 बजे तक 55.80% मतदान, यानी कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर यानी कि फर्स्ट रैंक लाने में भी पीछे रहा। 60% तक भी उत्तर प्रदेश में आंकड़ा नहीं पहुंच पाया। हालांकि अगर ये 6 बजे तक के आंकड़े देखे जाएंगे तो 56% या 57% तक ये आंकड़ा पहुंच सकता है, लेकिन 60% से अभी दूर। तो अलग अलग जगहों के आप मतदान प्रतिशत देख रहे हैं। फैजाबाद में 57.36% मतदान संपन्न हुआ। फतेहपुर में 54.56% मतदान। इसी तरीके से आपको बता दें अन्य जिलों में मतदान संपन्न हुआ। गोंडा में 50.21% मतदान पूरा। तो आपको बता दें कि पांचवें चरण के लिए लगातार मेहनत की जा रही थी, रैलियां की जा रही थी, सभाएं की जा रही थी, जनता को लुभाने का प्रयास किया जा रहा था। और प्रचार प्रसार थमने के बाद, एक दिन का रेस्ट लेने के बाद, लोग अपने घरों से निकले। अपने मताधिकार का आज उन्होंने सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक प्रयोग किया। और कई जगहों पर मतदान थोड़ा निराशाजनक रहा, लेकिन कई जगहों पर जो एक औसत लगाया गया था उतना मतदान हुआ। कौशाम्बी में आप देख सकते हैं 50% तक मतदान संपन्न। तो पांचवें चरण की ये लड़ाई मतदान के साथ संपन्न हुई। अब बारी छठे और अंतिम सातवें चरण की, जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मैदान में हैं। कई बड़े दिग्गजों की साख भी इस आने वाले दो चरणों में लगी हुई है। इस पर भी हम नजर डालेंगे आने वाले समय पे। उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं, हमारे साथ अमरदीप जुड़ चुके हैं भाजपा से, वहीं मोहित दीक्षित कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल अमरदीप आपसे, पांचवा चरण खत्म हो गया है, अब कहीं ना कहीं एक रिजल्ट जो है वो 80% तक तैयार हो चुका है। अब बारी 20% बकाया है, 20% अभी बाकी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं रिजल्ट थोड़ा सामने आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से मतदान हुआ है, ऐसा माना जाता है कि जब ज्यादा मतदान होता है तो जो सरकार होती है, सिटिंग सांसद होते हैं, उन्हें फायदा होता है, उन प्रत्याशियों को फायदा होता है, तो ये एक समीकरण बिठाए जाते हैं। क्या लग रहा है, आप जो 80 का लक्ष्य लेकर आप लोग निकले थे, बीच में वो लक्ष्य कहीं ना कहीं डगमगाया, आपने अपने चुनावी मुद्दों को बदला, क्या लग रहा है पांचवें चरण आते आते आपकी स्थिति कैसी? आज पांचवें चरण का मतदान समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पे चुनाव हुआ था और देश के अंदर 49 सीटों पे जो चुनाव हुआ। आज के चुनाव नतीजे को अगर हम लोग आकलन करेंगे तो देश के अंदर अभी तक भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर 300 सीट क्रॉस कर चुकी है। आज के मूल्यांकन के हिसाब से अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश में आज जिन 14 सीटों पर चुनाव हुआ है, 14 की 14 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। अगर मुख्यतः आप बात करेंगे जो हाई प्रोफाइल सीट थी लखनऊ की, बात करेंगे माननीय रक्षा मंत्री स्वयं चुनाव लड़ रहे थे लखनऊ से, आज एक तरफा चुनाव हुआ है, एक तरफा वोटिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में माननीय रक्षा मंत्री जी के लिए। और दूसरी बात अगर आप देखेंगे रायबरेली में, जहां कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता और रायबरेली की जनता ने पहले से ही मन बना लिया था कि राहुल गांधी जी को रायबरेली में बैठने नहीं देंगे, क्योंकि 2019 के चुनाव में रायबरेली हो गया, अमेठी हो गया, और उत्तर प्रदेश के युवाओं ने, जनता ने देखा कि जिस प्रकार से
चुनाव का डर लगा कि अमेठी से हार जाएंगे, तुरंत वायनाड चले गए। वायनाड में चुनाव जीते और अमेठी को देखने तक नहीं आए, अमेठी के जनता के दुख और दर्द को पूछने तक नहीं आए। तो अमेठी की जनता हो गई, रायबरेली की जनता हो गई और उत्तर प्रदेश की जनता, सब लोगों ने देखा है जिस प्रकार से राहुल गांधी जी बनारस की धरती में जब उत्तर प्रदेश में आए थे तो उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश का युवा नशेड़ी हो गया है। तो रायबरेली की युवाओं ने इस बात को गांठ बांध के रखा था कि राहुल गांधी जी अगर उत्तर प्रदेश में आते हैं, चाहे अमेठी से आए, रायबरेली से आए, किसी भी सीट पर अगर आएंगे तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और यह बताया जाएगा इसका जो युवा है वो नशेड़ी नहीं है, बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा है, स्वावलंबी है। जी अमरदीप जी, हमारे साथ मोहित जी भी जुड़े हुए। मोहित जी, देखिए पांचवा चरण संपन्न हो चुका है जहां आप लोग एक तरफ दम भर रहे हैं कि इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करके रहेंगे। रायबरेली सीट की बात करूं तो पूरे गांधी परिवार ने अपना जोर लगा दिया अखिलेश यादव के साथ। उन्होंने कहा कि हमारा यहां पारिवारिक रिश्ता है, जैसे रायबरेली वैसे ही हमारे लिए अमेठी। तो रायबरेली को आप लोग बरकरार रखना चाहते हैं, अमेठी को अपने पाले में वापस लाना चाहते हैं, लेकिन अमेठी में स्मृति ईरानी एक चट्टान की तरह केएल शर्मा के सामने खड़ी रही। क्या लगता है इस बार तस्वीरें बदलेंगी आपके लिए? देखिए, तस्वीरें न केवल रायबरेली अमेठी के परिप्रेक्ष्य में बात करें, आज हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में तस्वीर बदलने के लिए यही युवा तैयार है। जिस युवा को बोल रहे हैं पढ़ा लिखा शिक्षित है लेकिन बेरोजगार है, वो बेरोजगारी जो 10 साल की नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 45 वर्ष की सबसे बड़ी बेरोजगारी जो जिन युवाओं ने झेली है, वो आज कहीं ना कहीं हर सीटों पर बैठा हुआ है नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ने के लिए। आज युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, लगातार देखा गया है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ ये लोग लामबंद होकर के इंडिया गठबंधन जो विकल्प के रूप में दिख रहा है उसके लिए वोट कर रहे हैं। जहां पर कांग्रेस है वहां पर कांग्रेस के लिए, जहां समाजवादी है समाजवादी के लिए आज बम्फर वोटिंग हो रही है, जनसैलाब भी उमड़ रहा है। आज स्थितियां ये है कि लगातार 10 साल, इन 10 सालों में शिक्षण और स्वयं दर्जे का जो व्यवहार हुआ उसके खिलाफ पूरा बुंदेलखंड हो, पूरा आपका अवध बेल्ट हो, या अभी भी थोड़ी बहुत मान लीजिए आप अयोध्या वाली बेल्ट हो, वहां पर दलितों ने आज एकमुश्त होकर के इंडिया गठबंधन को वोट किया है। कहीं ना कहीं बीएसपी आज रिलीवेंट नहीं है, इसीलिए आज क्योंकि अभी देख रहे हैं हम, 2-3 उदाहरण आपको दे दें। अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी आज कौशाम्बी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक दलित के घर में घुस करके किस तरीके से मारपीट करते हैं और वोट न देने के कारण उनके खिलाफ वो जघन्य अपराध करते हैं जो कहीं ना कहीं इस सभ्य समाज में स्वीकार योग्य नहीं है। हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में खाकी वर्दी पहन करके जो लोग घूम रहे हैं उन्होंने उत्पीड़न किया, उन्होंने रोड पर मारते हुए देखे दिखे जो बोल रहे हैं कि अनाज तो मोदी का खाते हो, वोट किसी और को क्यों दे रहे हो। देखिए, कोई भी अनाज कोई भी सरकार नहीं देती है, ये हमारे टैक्स पेयर्स और उन लोगों के टैक्स पे के पैसों से सरकारें चलती हैं, उन लोगों की अधिकार होते हैं इन सब चीजों को लेकर के। जिस तरीके से दलितों को आज भारतीय जनता पार्टी के लोग मार रहे हैं, जिस तरीके से उनको खिलाफ लामबंद होकर के दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका डर भय प्रतीत होता है कि आज उनके हाथ से जो प्रचंड बहुमत देने वाले लोग थे वो छिटक रहे हैं। कहीं ना कहीं जब देखते हैं कि वो संविधान की हत्या करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, बाबा साहब का सबसे ज्यादा अनुसरण करने वाले वे लोग हैं, अपने आरक्षण के साथ हो रहे खिलवाड़ को, चाहे सरकारी नौकरियां खत्म करने के तरीके हो या जो जो युक्तियां हो आरक्षण खत्म करने के लिए, उनके खिलाफ लामबंद हो रहे भारतीय जनता पार्टी के। तो आज जब जमीन सरकी दिख रही है भारतीय जनता पार्टी को तो बौखलाए घूम रहे हैं और ऐसी उत्पीड़न ऐसा गंदा हरकतें करते हुए उनके वीडियो आज हम लोगों के समाज में परिप्रेक्ष्य में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी आज चाहे जिस वर्ग का वोट हो कहीं कुछ भी हासिल करती हुई नहीं दिख रही है और बहुत बुरी तरीके से जो आज की 14 सीटें उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बताऊं, इन 14 सीटों शायद और शायद केवल लखनऊ की सीट में थोड़ा बहुत संघर्षरत हो, बाकी सारी सीटों में बुरी तरीके से पराजित हुई है। बिल्कुल, देखिए एक आपसे सवाल है अमरदीप त्रिपाठी जी कि जिस तरीके से 400 पार का आप लोगों ने एक जादुई आंकड़ा दिया, आपने कहा कि 400 पार जब चुनाव शुरू हुआ तो सभी को लगा नहीं बीजेपी इतने विश्वास के साथ 400 पार की बात कह रही है, तो मीडिया में पेपर में मतलब हर जगह 400 पार की चर्चा होने लगी,
लेकिन जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, चुनाव शुरू हुआ, पहला चरण बीता, दूसरा चरण बीता, आपके मुद्दों में परिवर्तन शुरू हो गया। कहीं ना कहीं आप लोग कहें या ना कहें, आप लोग भाप गए कि जमीन पर कुछ और ही चल रहा है, जो स्क्रीन पर चल रहा है उससे विपरीत स्थितियां जमीन पर है। यानी कि ये जो लोकसभा चुनाव है, जो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के होता है, ये लोकल मुद्दों में तब्दील हो गया। जनता इस बार लोकल मुद्दों पर बात कर रही है, सड़कों पर बात कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात कर रही है, बेरोजगारी पर बात कर रही है। लेकिन आप लोगों ने सोचा था कि राम मंदिर का जिक्र करेंगे या पाकिस्तान का जिक्र करेंगे तो काम बन जाएगा। हालांकि आप लोगों ने ऐसा इस चरण पर आते आते ऐसा काम शुरू भी कर दिया। तो क्या अब आप लोग ऐसा सोच रहे हैं क्या कि आपकी सरकार भी बनने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है? सौम्या जी, मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अगर हम लोगों ने 400 का नारा दिया था तो बड़ा एनालिसिस करके, ग्राउंड लेवल पे काम करके, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर कार्य करके जो एनालिसिस का रिपोर्ट आया उसके आधार पे हम लोगों ने कहा कि 400 फीट पार करेंगे, और अभी भी मैं कह रहा हूँ 400 फीट पार करेंगे। और जो 10 साल पहले, जो 10 साल के कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में जो देश के साथ में हम लोगों ने वादा किया था, एक एक वादे को निभाने का कार्य किया है। अगर राम मंदिर की बात करेंगे तो बिल्कुल राम मंदिर की बात करेंगे। अगर हम लोगों ने वादा किया था कि राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के सरकार में होगा तो वो भी हुआ। 370 धारा अगर हटेगा तो वो 370 धारा भी हटा। ट्रिपल तलाक पर अगर काम करेंगे, मुस्लिम महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा देने का कार्य अगर करना है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। अमरदीप जी, देखिए आप कह रहे हैं कि पूरा एनालिसिस किया जाता है बीजेपी में, एनालिसिस करने के बाद चुनावी मैदान में उतरा जाता है, लेकिन आपने अगर इतना ही बेहतरीन एनालिसिस कर लिया था तो फिर आपने चुनावी मुद्दों को बदला क्यों? आप विकास के मुद्दों पर से शुरू हुए थे, राशन की आपने बात की, लेकिन जैसे ही 2 से 3 चरण कम हुए, आपने तस्वीरें देखी, आपने हकीकत को समझा। और इस बात पर मैं फिर से कहूंगी कि बीजेपी बहुत जल्द समझ जाती है कि चीजें कहां खराब हो रही। फिर से हिंदू मुसलमान का आपने चैप्टर शुरू कर दिया, आपने पाकिस्तान का चैप्टर शुरू कर दिया, आप राम मंदिर के लिए यहां तक कहने को आमादा हो गए कि अगर सपा की सरकार या गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो बुलडोजर राम मंदिर पर चला दिया जाएगा। तो क्या आप समझते हैं कि या ये कोई बस सच्चाई है इस बात में जरा सी भी कि क्या देश में एक भव्य मंदिर को, एक भगवान के जगह को कोई किसी की हिम्मत है कि उस पर बुलडोजर चला देगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास के रास्ते पर ही चल रही थी, विकास को लेकर चल रही थी, जनता के बीच में विकास को बता रही थी, विकास को आधार मानकर हम लोग चुनाव लड़ने के लिए जमीनी स्तर पर उतरे थे। विकास को, 10 साल के विकास को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे थे और जनता को संतुष्ट कर रहे थे। लेकिन विपक्ष जो है, चाहे कांग्रेस हो गई, एनडी अलायंस के जो सहयोगी दल है, इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम का राग गाना शुरू कर दिया, इन लोगों ने पाकिस्तान की शुरुआत कर दी, इन लोगों ने अनर्गल जो बातें शुरुआत कर दी। हम लोगों ने तो सनातन के बात कर रहे थे, इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम की बात की। आप अगर देखेंगे तो जो कांग्रेस और उनके सहयोगी दल है सनातन पर प्रहार करना शुरू कर दिए। 109 करोड़ लोग देश के अंदर बहुसंख्यक समाज रखता है, उनके आस्था के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिए, उनको गाली देने लगे, डेंगू मलेरिया बताने लगे। तो अगर विपक्ष इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, इतना जो है सनातन पर कुठाराघात कर सकता है, 109 करोड़ बहुसंख्यक समाज के आस्था के साथ खिलवाड़ कर सकता है, तो क्या हम लोग देश की जनता को ये भी नहीं बता सकते हैं कि भाई कांग्रेस और जो उनके सहयोगी दल है इस प्रकार से बातें कर रहे हैं? हम तो जनता, और जनता देख रही है, बताने की कोई बात है, जो जनता देख रही है, जनता महसूस कर रही है कि 109 करोड़ सनातनियों के ऊपर जिस प्रकार से प्रहार किया जा रहा है, वही चीज हम भी कह रहे हैं। हम तो अपने विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में गए थे और आज भी है। हमारे साथ डीपी यादव जी भी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। डीपी यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आप गठबंधन में हैं और इस समय काफी कॉन्फिडेंट भी हैं आप लोग, जिस तरीके की आप लोगों की शब्दावली है उससे लग रहा है कि आप लोग पांचवें चरण पर आते आते काफी कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी, जब बीजेपी एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा उठाती तो ये तो आप लोगों को बखूबी पता था कि जब 2024 के चुनाव आएंगे और जनवरी में जो हुआ है पूरे देश ने उसे देखा है, महसूस किया है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई।
आप लोगों ने सोचा इसका तोड़ कैसे निकाला जाए, तो आपने संविधान का मुद्दा उठाया। आपने कहा कि संविधान खतरे में है, बीजेपी इसलिए 400 पार की बात करती है। संविधान खतरे में होने का मतलब है दलितों का शोषण होगा, अल्पसंख्यकों का शोषण होगा, साथ ही साथ किसी को स्वतंत्रता नहीं होगी। तो आप लोगों ने संविधान का ये जो मुद्दा उठाया, इसका आप क्या लग रहा है, आपको कितना फायदा मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर? जीडीपी यादव जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, अनम्यूट कर लें खुद को। जी 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 बोले। देखिए, उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों भारतीय जनता पार्टी के सारी सीटों पर लड़ाई बिहार होती है और हम नहीं कर रही है, जनता कर रही है। आज लखनऊ और लखनऊ जो प्रॉपर जनता की जो भीड़ उम्र हुई थी उसको देख के ऐसा जनता परिवर्तन चाहती है। आवाज जो है आपकी डिस्टर्ब कर रही है। मोहित दीक्षित जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से कांग्रेस ने सपा से हाथ मिलाया, कहा जा रहा था जैसे 2019 का गठबंधन फेल हुआ, 2024 का भी गठबंधन फेल होगा। हमने देखा कि अखिलेश यादव और आप हर चुनावी जनसभा में एक साथ पहुंच रहे हैं और लोग आपको काफी पसंद भी कर रहे हैं गठबंधन में। तो इस बार प्रधानमंत्री के अगर चेहरे की बात की जाए, अगर मान लीजिए आपकी सरकार आती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है? हालांकि अखिलेश यादव से जब राहुल गांधी को लेकर यह सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, उससे वो हट गए। दूसरी तरफ दूसरे पार्टी के नेताओं ने फिर भी कोई जवाब दिया, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा इससे भी अलग अभी हम कुछ और बात करते हैं, यानी कि वो अभी संतुष्ट नहीं है राहुल गांधी के नाम को लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन्होंने 17 सीटें दी हैं और वर्चस्व समाजवादी पार्टी का ज्यादा है कांग्रेस से। ये आप लगातार मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दे अगर बात करेंगे तो अगर आरक्षण खत्म करना मुद्दे की बात है तो ये मुद्दा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का मंशा रही है। ये आज से नहीं रही है, 1925 से जब से संघ की उत्पत्ति हुई है तब से उन्होंने आरक्षण को लेकर के और जो भी दलितों को उत्थान की जो युक्तियां रही हैं उनके खिलाफ अपना जो मंशा रही है, एक विचारधारा रही है, वो प्रदर्शित किया है। तो अगर आप केवल आरक्षण को एक मुद्दा मान लेंगी विपक्ष का तो ये कतई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों का जो आह्वान करती है तो कहीं ना कहीं वो इतना बड़ा कुछ बड़ा करने का जो नरेंद्र मोदी संसद भवन से कहते हैं तो ये कहीं ना कहीं चीजें दिख रही होती, उनकी मंशा दिख रही होती है। तो क्या नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा क्या कि 400 की सीटें अगर आती हैं तो हम संविधान खत्म कर देंगे? बिल्कुल, मैं बता जा रहा हूँ, ये नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है उसका मानना ही यही है। उन्होंने संविधान जब बना था तब भी अम्बेडकर के साथ साथ संविधान की भी बुराई करी थी, संविधान के खिलाफ जा करके उन्होंने आंदोलन करे थे,
आज की बात नहीं, आज वो जब चरम पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, तो आज देख नहीं रहे आप क्या कि आज कौशाम्बी का चित्र आपके सामने नहीं आया क्या कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दलित के घर में घुस कर जा करके उसको वोट ना देने के कारण मार रहे हैं? ये चित्र आपको विचलित नहीं करते क्या? एक दलित पुलिस खाकी वर्दी पहन करके और एक दलित को पैरों से कुचल रही है केवल इस कारण कि वो मोदी जी का अनाज खाता है तो वोट भी मोदी जी को दे जा करके, तो क्या दलित को बंधुआ मजदूर समझने की इनकी मनोवृत्ति हमेशा जागृत रहेगी? कहीं ना कहीं ये मुद्दे नहीं है, ये जन चेतना के विषय है जो भारतीय जनता पार्टी के मन मस्तिष्क में हमेशा रहे हैं कि उन्होंने जो दलितों को और SC ST को हमेशा पिछड़ा समझा है, द्वयम दर्जे का नागरिक समझा है। ये गंभीर मुद्दे है, चिंतन है, आज चिंतन कर रहा है वो वर्ग, आज चिंतन कर रहा है, तभी उनसे छिड़क करके देख रहा है कि उन्होंने 10 साल में जो प्रचंड बहुमत दिया उसके सापेक्ष उनको कुछ नहीं मिला, उनको मिला बिल्कुल। मोहित जी देखिए, जैसे कि बीजेपी राम मंदिर पर कहती है बुलडोजर चल जाएगा, वैसे ही आप लोग कहते हैं संविधान खत्म हो जाएगा। ये दोनों ही बातें बिल्कुल तथ्यों से दूर है, और ये इतनी कोई आसान या छोटी बातें नहीं है जैसे कि पार्टियां कर रही है या नेता बड़े बड़े मंचों से कर रहे हैं। अमरदीप जी, इस बार बीजेपी जो है वो अलग तरीके से चुनाव लड़ रही है, शायद कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज को माने या ना माने, लेकिन जमीन पर जो हकीकत हम देख रहे हैं, जब हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों के विचार को समझ रहे हैं और वो किन मुद्दों पर सोच करके वोट कर रहे हैं, से समझ आता है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है। जो आप लोग सिर्फ मोदी का नाम लेकर के अभी तक चल रहे थे, अभी हाल ही में जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू भी दिया, उन्होंने कहा कि भाजपा अब इतनी बड़ी और विशाल पार्टी हो चुकी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है, तो अब हमें संघ की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इस बार हमने देखा कि जो संघ था, बीजेपी का बैकबोन कहा जाता था, वो बैकबोन गांव में नहीं पहुंचा। जो हिंदुत्व की, राष्ट्रवाद की बातें जो गांव गांव तक पहुंचाने का काम संघ करता था, जिसकी वजह से भाजपा को एक मजबूती मिलती थी और चुनाव परिणाम सामने आते थे, संघ ने इस बार बीजेपी को छोड़ दिया कि आप जाइए, आप चुनाव लड़िए और प्रदर्शन करके दिखाइए। और जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी अब बड़ी हो गई, तो क्या लगता है कि क्या संघ ने आपको बिल्कुल छोड़ दिया है कि आप बहुत बड़ी पार्टी हो गए हैं, आप हमें परिणाम लाकर दिखाइए, तो इसकी वजह से आपकी स्थिति थोड़ी डामाडोल हो रही है? देखिए, संघ का जो कार्य है, संघ हमेशा अपना कार्य करता है, संघ के जो कार्यकर्ता है वो जमीनी स्तर पे अपने उनके जो आधार बिंदु बने हुए हैं, जो उनका समीकरण है, जो उनके आधार है, उस पर वो कार्य करते रहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न अंग है वो, उनके एक कार्य करने की एक शैली होती है, उनका दायरा है, तो उसी में वो कार्य करते रहते हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, जो विपक्ष आज बार बार कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार करेगी तो संविधान बदल देगी, ये तो तथ्य विहीन बातें हैं। लेकिन मैं एक तथ्य से युक्त बात बताना चाहता हूं, ये जो आज प्रधानमंत्री जी हो, जो भी भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सरकार में रहते हैं, उनके महासचिव रामचरितमानस की प्रतियां फड़वाने का कार्य करते हैं, कांग्रेस के सहयोगी दल दक्षिण में जो कहते हैं हिंदुत्व सनातन डेंगू मलेरिया है, इस दावे के साथ ये अगर इसका समीकरण को बैठाएंगे तो जरूर कहा जा सकता है कि अगर कांग्रेस और एनडीए अलायंस की सरकार आई तो राम मंदिर ध्वस्त हो सकता है, सनातन ध्वस्त हो सकता है, बहुसंख्यक समाज का जीना दुर्लभ हो सकता है, इसमें ये कोई भी डोरा बात नहीं उतनी है। ही निराधार है जितनी आप अपने लिए कहते हैं कि जब दूसरे संविधान को खतरे में बताते हैं, उतनी निराधार आप लोग भी बातें कर रहे हैं कि राम मंदिर पर बुलडोजर चल जाएगा या बाबर का ताला लग जाएगा। ये बातें बिल्कुल भी तथ्य के साथ कहिए, ऐसे भी आप लोग कुछ भी कह देते हैं। इसी बीच जालौन से खबर बता दें, जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, जहां जालौन में गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। जगतपुर अहीर गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया, हालांकि मतदान समाप्त हो गया है, लेकिन काफी मान मनोवल के बाद भी बूथ संख्या 85 में किसी ने एक भी वोट नहीं डाला। देखिए, जब एक कार्य प्रणाली चल रही होती है जहां पे आपको मताधिकार का प्रयोग करना होता है, ये आपकी इच्छा से होता है, और लोग इतना परेशान है कि उन्होंने वोट ही नहीं डाला। प्रशासनिक अधिकारियों के लाख मनाने पर भी ग्रामीणों ने वोट नहीं डाला, उन्होंने कहा अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। आपको बता दें कि यहां पर भाजपा के सांसद हैं और विकास ना होने के चलते, रोड ना बनने के चलते वोटों का बहिष्कार किया गया।
रोड खराब होने के 2022 में भी इसकी सूचना दी थी, पूरे शासन को मालूम पड़ गया था, लेकिन अभी तक रोड नहीं पड़ा है। दो बार और हो गए, मतलब 2024 में भी 2022 में भी किया था, तो ADM साहब और भी अन्य जिला के अधिकारी थे, काफ़ी बड़े बड़े अधिकारियों ने आश्वासन दे के तुम्हारा रोड 3-4 महीने में बन जाएगा। इसके बाद में अभी तक कोई ने ना कोई सुनाई हुई, ना अभी तक कोई रोड बना हुआ है। और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा रोड बन जाए, या कोई बड़ा अधिकारी आश्वासन दे तो हम लोग वोट डालना चालू कर दें। दान का बहिष्कार, PWD का रोड है ये, 4 किलोमीटर हदरुख से जगतपुरा हीट तक, इसको लेकर के मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति है, इसको लेकर के बहिष्कार है। अच्छा, इससे पहले भी गांव में बहिष्कार हुआ था? इससे पहले बहिष्कार पिछली बार किया था, लेकिन लोग मान गए थे प्रशासन के समझाने पे, लेकिन उसका कोई 2 साल हो गए, उसके बाद फिर कोई नहीं आया। उस दिन तो प्रशासन की मान के लोगों ने वोट डाल भी दिए थे। कुल कितने मतदाता हैं इस गांव में? मतदाता लगभग 850 के लगभग है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? बस रोड की समस्या समाधान हो जाए, और कुछ नहीं चाहते। सर, बहिष्कार नहीं किया, हमारा मत है पर्सनल, अपन मत देना नहीं चाहते। हर बार हमने क्या मत दिया, हमारी रोड नहीं बनी। सबसे गंभीर समस्या रोड की हमारी, हर बार हम बेस्ट क्या है कि रोड नहीं बना हमारा बिल्कुल। और रोड अगर बन जाता तो हम पिछली बार सब लोग बड़े बड़े अधिकारी बोल गए थे, विधायक जी आए थे वो भी बोल गए थे। तो कुल मिलाकर के जनता आज से नहीं कई सालों से एक रोड के लिए परेशान है। जब आप इतने बड़े देश में रहते हैं और आप विकास की बात करते हैं, आप G20 जैसी बातें करते हैं और गांव में लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, रोड नहीं मिल रही है, वो बड़ा प्रश्न चिन्ह विकास पर खड़ा करती है। और इसी बीच ललितपुर से खबर आ रही है, जहां ललितपुर में 100% मतदान संपन्न हुआ। एक वोटर बेंगलुरु से वोट देने आया, बेंगलुरु में रहने वाले वोटर के आने जाने का खर्च DM ने वहन किया। देखिए, जहां एक तरफ ऐसी खबर आती है जो आपको निराश कर सकती है, वहीं दूसरी तरफ से एक ऐसी खबर आ रही है जो कि आपके अंदर उत्साह पैदा कर सकती है। ललितपुर में बेंगलुरु से एक व्यक्ति ने वोट देने की इच्छा जताई और DM ने उस व्यक्ति का आने और जाने का पूरा खर्च उठाया। DM अक्षय त्रिपाठी के प्रयास से दोपहर 12 बजे तक हुए 100% मतदान। आपको बता दें कि ललितपुर में जो इस समय DM है अक्षय त्रिपाठी, वो कानपुर में भी रह चुके हैं और कई इसी तरीके की पॉजिटिव पहल उन्होंने की है जहां जहां पर भी वो कार्यरत रहे हैं। और ललितपुर में 100% मतदान देकर एक बड़ी खबर ललितपुर से आपको बता रहे हैं। एक वोटर बेंगलुरु से वोट डालने के लिए आया और उसका खर्च खुद DM ने वहन किया। तो चलिए हम अपनी चर्चा पर वापस चलते हैं। हमारे साथ में हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, DP यादव जी, आपसे मेरा सवाल है। देखिए, ये जब चर्चा चल रही है कि पांचवा चरण बीत चुका है, अब 2 चरण शेष हैं, उसके बाद 4 जून को नतीजे आएंगे, और नतीजों के बाद जिस चीज की लड़ाई है कुर्सी की, उस पर हम बात करना बेहद जरूरी है इस समय। अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी की बात की जाए, अगर आपकी गठबंधन की सरकार आती है, जैसा आप लोग दम भर रहे हैं कि इस बार सरकार तो हमारी ही आएगी, गठबंधन की सरकार आएगी, तो प्रधानमंत्री कौन होगा? क्या कुछ सोचा है आपने? क्योंकि राहुल गांधी के नाम को लेकर के न तो ना ममता दीदी कुछ बोल रही है, ना अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं। आपके साथ पहले मैं थोड़ा आपने खबर दिखाया जयपुर जिले की, उसमें दो देखिए खबर आ रही है कि वहाँ के लोगों ने, गांव के लोगों ने मतदान नहीं किया। ऐसी खबरें क्यों आ रही है? ये लोकतंत्र के लिए बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग मजबूर हो जाते हैं अपने अधिकार का प्रयोग न करने के लिए। कहीं ना कहीं इसमें देखिए सरकार का दोष है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ सभी भारतीय जनता पार्टी का होगा, विधायक भारतीय जनता पार्टी का होगा, और जो स्थानीय प्रतिनिधि या प्रधान करिए जनता करिए वहाँ का मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी का होगा। लेकिन वहाँ कार्य खुशी नहीं हुआ, वोट नहीं, लोग मजबूर हो गए। लेकिन फिर भी हम लोग अगर पहचान गए होते तो निश्चित रूप से उनसे गुजारिश करते। कई जिलों में किया, उत्तर प्रदेश के जिलों में फोन करके ठीक है। DP यादव जी, देखिए आप लोग इस सवाल से बार बार हट जाते हैं। जहां भी पहला जो पैनल था, वो भी मैंने जब उनके सपा प्रतिनिधि से ये सवाल पूछा,
उन्होंने भी ये जवाब नहीं दिया, आपसे दो बार पूछा, आपने भी दूसरे जवाब सवाल का जवाब अपने मन से देना शुरू कर दिया। ये बताइए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे? आप जवाब सुनेंगी? अरे सुन रहे हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं जवाब सुनने का। अगर आप डिबेट में बैठे हैं तो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के लिए मैं एक पट्टी लगा के आपके पास जमा कर दूं। इतना तो बोलना पड़ेगा, कुछ बताना पड़ेगा, देखिए बात प्रधानमंत्री की है, बात प्रधानमंत्री की है। इंडिया इंडिया गठबंधन में जी अमरदीप जी आपके पास आ रही हूँ। इस बात को डिसाइड कर लेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ राय नहीं चलती है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई इतना योग्य हो किसी को प्रधानमंत्री नहीं बने। ठीक है, आप लोग पैनल डिस्कशन करेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि किसको प्रधानमंत्री बनना है। जैसे बीजेपी कहती है शायद साल साल भर का कोई प्रधानमंत्री हो। ठीक है अमरदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी डीपी यादव जी, अभी हम आपके पास वापस आएंगे तब आप जवाब दीजिएगा। अभी बारी अमरदीप जी की है। लिखा होगा, ठीक है ठीक है, प्रधानमंत्री ठीक है अमरदीप जी। जी मैं कह रहा था, अभी डीपी यादव जी कह रहे थे कि एक गांव के लोगों ने बहिष्कार किया। बहिष्कार नहीं होना चाहिए, रोड बनना चाहिए, क्योंकि पिछले जो है 2017 के बाद में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, हम लोग लगातार रोड बनाने का काम कर रहे हैं, बिजली पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, पानी पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। 2017 के पहले एक लंबे समय तक समाजवादी पार्टी और बसपा ने शासन किया है उत्तर प्रदेश में। अगर उन्होंने धरातल पर कुछ कार्य किया होता तो शायद यह देखने को नहीं मिलता। और दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, एनडीए अलायंस के जो सहयोगी दल, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा अखिलेश यादव जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से बनता है। ममता दीदी कह रही है मैं प्रधानमंत्री, राहुल गांधी जी खुद सपने देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी बनने के लिए। तो मुझे लगता है इन लोगों का कोई सुचारू रूप से आधार नहीं है, कोई गठबंधन का बड़ा अच्छा प्रारूप नहीं है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा ममता दीदी ने कहा कि हम भाई बाहर से समर्थन देंगे, हमारा इंटरनल कोई समर्थन नहीं रहेगा। आज ही पार्टी सरकार बनी नहीं, पहले से अलग हो गई। तो जब ये देश की जनता देख रही है कि भाई जिसका कोई आधार नहीं है, जिसके गठबंधन कोई दम नहीं दिखाई दे रहा है, उस पार्टी को आखिर वोट देकर किस प्रकार से जो है भविष्य देखा जाएगा भारत का, जो आज पिछले 10 सालों में भारत का भविष्य बना है। देश आज सशक्त हुआ है, भारत की छवि पूरे विश्व में सशक्त हुई है, उसको गर्दिश में ले जाने के लिए देश की 140 करोड़ जनता कभी नहीं कहेगी और ना करेगी। मोहित जी, अगर कांग्रेस की स्थितियों की बात की जाए तो आपके हिसाब से, आप लोग उत्तर प्रदेश में हैं, बाकी देश में भी आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि जो स्थिति आप लोगों की डामाडोल हुई थी, ये उस स्थिति को वापस लाने का ये आखिरी मौका है? और क्या लग रहा है कि आप लोग कितना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं इस बार? हाँ, अगर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, तो शायद ये आखिरी मौका होगा। अगर आपको लगता है कि इसके बाद कोई संघर्ष नहीं करेगा, इसके बाद चुनाव नहीं होंगे, तो हो सकता है ये आखिरी मौका हो। आज इतना गंभीर विषय पर, अभी आपने एक उदाहरण दिया कि एक पूरा का पूरा गांव, पूरा नरेंद्र मोदी के 10 साल की विकास की भौंपों को पूरा उजागर कर रहा है, जो अपने को चंद्रयान का बड़ा भारी वो समझते हैं, मसीहा समझते हैं, वो एक गांव में एक वोट नहीं डलवा पा रहे हैं एक सड़क के कारण। वो गांव लगातार वहां के विधायक और वहां के सांसदों से गुहार कर रहा है, वहां का प्रशासनिक अमला जा करके केवल और केवल उनके ठगता है कि नहीं अगली बार रोड बन जाएगी अगली बार। वो मुद्दे आज चिंतन के विषय नहीं है। आज कौशाम्बी में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे घर में घुस करके दलित के जाकर के वहां मारपीट करते हैं वोट न डालने के कारण। ये आज मुद्दे ही खत्म किए जा रहे हैं, आज मुद्दे बनाए जा रहे हैं कौन प्रधानमंत्री होगा। अरे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे या नहीं होंगे, अमित शाह बनेंगे या नहीं बनेंगे, योगी आदित्यनाथ बनने जा रहे हैं क्या नहीं जा रहे, ये कोई रिलेवेंट मुद्दे रह जाते हैं क्या? जब एक बहुमत प्राप्त सरकार बन के आएगी, वहां पर एक गठबंधन के साथ अगर लोग बैठ करके, दल ने बैठ करके एक गठबंधन बनाया है, गठबंधन धर्म का अपनाते हुए सबके
उनकी राय मशुरा राय शुमारी की जाएगी, उसके बाद जो सर्वोपयुक्त प्रत्याशी होगा उसको वहां बनाया जाएगा। मालूम था किसी को 2004 में 2004 में कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होंगे और 10 साल का सफल कार्यकाल करेंगे, चाहे वो राइट टू एजुकेशन लेकर के आए, चाहे राइट टू फूड लेकर के आए, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन लेकर के आए, चाहे मनरेगा जैसे चीजें लेकर के आए और एक सफल 10 साल का कार्यकाल करेंगे। या किसी को मालूम था कि 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जाकर के प्रधानमंत्री बनेंगे और 5 साल का सफल देश का कार्यकाल करेंगे, देश की अर्थनीति को निकालते हुए जब पूरा विश्व कहीं ना कहीं आर्थिक संकट से जूझ रहा होगा, वहां भारत जाकर के आशा की किरण दिखाएगा। तो ये चीजें, ये भारत है यहाँ पर नेता उभर के निकल के आता है और अपना दायित्व निर्वाह करता है। आज की परिस्थितियों पर अगर हम बात करेंगे, आज का परिस्थितियों पर वोट आज की परिस्थितियों में पड़ेगा, वोट ये नहीं तय करने के लिए कि कौन प्रधानमंत्री होगा क्या नहीं होगा। आज जो दिख रहा है, आज जो कष्टों में झेल रहा है, अगर व्यक्ति कष्ट में झेल रहा है उसको आज बेरोजगारी झेलने को पड़ रही है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, तो क्या वो जाकर के नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट दे देगा? आज वो किसान जिसको तार कील और बड़े बड़े कांटे लगा करके दिल्ली में घुसने से रोका गया, वो जाकर के नरेंद्र मोदी को वोट दे देगा? आज वो महिलाएं जो देखती है कि उनकी पहलवान जो विश्व में तिरंगा फहरा करके आती है, ओलंपिक से पदक लेके आती है, जब अपने साथ उत्पीड़न होने की घटना को लेकर के प्रधानमंत्री से गुहार लगाती है, प्रधानमंत्री का साथी जो संसद में उनके साथ होता है वो वहां पर जाकर के उत्पीड़न का जो वो रहता है, विक्टिम रहता है, वो उत्पीड़न का मुख्य करता रहता है, उसको उसका साथ खड़ी होती है पूरी भारतीय जनता पार्टी, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद मामले को बढ़ाया जाता है और FIR दर्ज करके आज उस स्थितियां वो पहुंच जाती है कि उसकी जगह उसके बेटे को टिकट दे करके भारतीय जनता पार्टी। तो महिलाएं एक एग्जांपल सेट करेंगे, महिलाएं जाकर के अपनी सुरक्षा का दे करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। आज स्थितियां पूरे देश में ये है कि भारतीय जनता पार्टी को नकारने के लिए लोग घूम रहे, केवल भारतीय जनता पार्टी के कुछ छुटभैया लोग जो केवल और केवल 10 साल में दलाली करके और विभिन्न विभिन्न तरीकों से धन अर्जित करते रहे हैं, कुछ पूंजीपति लोग जिनके आभा मंडल में धन अर्जित करते रहे, आज कुछ मीडिया वर्ग लोग जो एरोप्लेन से उड़ उड़कर पत्रकारिता कर रहे, हो सकता वो वर्ग हो, ऐसे लोगों को विकास दिखाओ, विकास उस गांव में नहीं दिखा हमको, विकास नहीं दिख रहा सड़कों पर, कहीं ना कहीं लोग जाकर के भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट देंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ भ्रम है, कतई कोई आज विपक्ष के पक्ष में आज सरकार बदलने के पक्ष में वोट पड़ रहा है। अमरदीप जी देखिए, अब वक्त कम बचा है इसलिए ये सवाल बहुत जरूरी भी है कि जो 400 का नारा आप लोग लेकर चुनावी मैदान में उतरे थे, वो 400 का नारा 370 आया, और क्या अब आप लोग 272 के ये जो बहुमत का आंकड़ा है इसको छू पाएंगे या गठजोड़ करना पड़ेगा आप लोगों को? बड़ी अस्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, कल भी हम लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ में 400 सीट पार करेगी, और आज भी कहते हैं 5 चरण के मतदान के बाद में, आज भी कह रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पर कार्य किया है, देश के गांव गांव तक गए हैं, देश के गांव गांव को विकास करने का सुनिश्चित किया है, पानी दिया है, रोड दिया है, बिजली दिया है, डिजिटल इंडिया बनाया है, भारतीय जनता पार्टी के अनेकों श्रृंखला है जो विकासकारी नीतियां है उनको लेकर हम लोगों का यह दावा है, सही दावा है। 4 जून को आप लोग देखेंगे, 4 जून को 400 पार एनडीए करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो विपक्ष है 2014 के पास जो कांग्रेस और उनके सहयोगी दल है, देश ने देखा है, न साफ पानी था, न रोड थी, न गैस सिलेंडर नहीं मिलते थे, महीनों महीनों तक लाइन में लगना पड़ता था, आज जो महिलाओं को सम्मान मिला है, आज लखपति दीदी बन रही है, आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आप देख रही हैं महिलाएं ड्रोन उड़ा रही हैं, महिलाओं को जिस प्रकार से सम्मान और सुरक्षा स्वरोजगार मिला है, महिलाएं चाहे हिंदू की हो चाहे मुस्लिम की हो, देश की महिलाएं, देश का युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आगे भी रहेगा। डीपी यादव जी और मोहित जी, आप लोग एक एक कमेंट करके ये बताएं कि आप लोग इस चीज से सुनिश्चित हैं कि इस बार आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो दम भर रहे हैं, वो पूरा होगा, बीजेपी को सत्ता से बाहर कर पाएंगे? जी निश्चित रूप से, देखिए सौम्या जी, पूरा होगा, और लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उब चुके हैं, हिंदू भी अब समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है, उनको भ्रमित करने का काम कर रही है, मूलभूत मुद्दों से कहीं ना कहीं ध्यान हटाने का काम कर रही है, उनको बेरोजगारी की तरफ ले जा रही है। ये बताइए, पिछले 10 सालों में बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है इस देश में, आर्थिक विषमता बढ़ गई है इस देश में, तो कहीं ना कहीं जो 2024 चुनाव है समय ये मूलभूत धोखा लगा जा रहा है, और जनता चाहती है कि 2024 में परिवर्तन हो, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता समाप्त हो,
भारतीय जनता पार्टी इस देश से जाए और देश में ऐसी सरकार बने जो बेरोजगारी समाप्त करे, महंगाई समाप्त करे, जो आर्थिक क्षमता है, जो अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ रही है उसको रोकने का काम करे, चंद पूंजीपतियों के हाथों में देश को सौंपने का काम न करे। जी मोहित जी, एक कमेंट आपसे भी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से निराशा का आज माहौल बन गया है, आज 2024 का जो चुनाव की बेल है, चुनाव ही संविधान में एक अधिकार दिया गया है जहां पर गरीब से गरीब और अमीर से अमीर जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके अपनी मनमानी करा सकता है। जो 10 साल नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी गई, उस मन के बात का जवाब अपने मन की बात करने के लिए वोट के अधिकार को उपयोग करके ही दे सकती जनता। और आज उस मन की बात के खिलाफ अपने मन की बात करती हुई वोट की ताकत दिखाती हुई जनता प्रदर्शित कर रही है। और ये खुशहाली लाने के लिए 4 जून तो अपने पक्ष में मतदान करने के लिए, अपनी मन की बात के लिए जनता निकल के वोट कर रही है, ये बिल्कुल सार्थक है और सिद्ध चीज है। आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए 4 जून को ही तय होगा कि सरकार किसकी आने वाली है। बीजेपी भी अपना दम भर रही है, जो कि उसने 400 पार का जो ये जादुई आंकड़ा दिया है, वो कहती है कि हम 400 पार होंगे और हमारी ही सरकार होगी, हमारा ही प्रधानमंत्री होगा। वहीं गठबंधन भी कहती है कि हमने पूरी कोशिश की है और जनता ये चाहती है कि इस बार बीजेपी सत्ता से बाहर हो। हालांकि अभी गठबंधन ने ये तय नहीं किया है कि प्रधानमंत्री कौन होगा अगर वो सरकार में आते हैं। और अब 2 चरण शेष हैं, 5वें चरण का आज मतदान संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश में 57.06% तक मतदान संपन्न हुआ है। उसी के साथ इतना ही, बने रहिएगा एबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।